अस्सलाम वालेकुम जी, पनीरी आ गई है भाई साहब। चलिए आज पनीरी लग रही है यहाँ पे। रिकॉर्ड होगा जो भी बोलोगे। ये कौन सी पनीरी है भाई? ए बूटा ना इस तरह फड़ना, इन अंगूठे दी मार देनी बस। बहुत अच्छा सिखाया भाई आपने। और पौधा खड़ा भी होता है जो ऐसे लगा रहे हैं ना, देखें वो झुक नहीं रहा। टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कमजोर बूटा कट दिया कोई नहीं पड़ेगी। हो ला ला मोटे मोटे लगा, मोटा मोटा लगा, कमजोर लगा। फिर वैसे देखें कोई बूटा डिगदा नहीं, पिछू सही करता रहा जोरदार हो ला। अंगूठे जी थोड़ी जी दबा दे बस। ये गेंदा है? तीन चार कलर का गेंदा। किस क्या है? चार कलर का गेंदा। चार कलर का गेंदा। तो भाई अब ये सारी तो पनीरी एक जैसी है, ये कैसे पता चलता है किसका कलर कैसा होगा? ये देखो कलर्स का पता चलता है। अच्छा इसका कलर और है। अच्छा ये देखो ये सारा सुर्ख है। सही सही ये वाला। तो जैसा तना होगा फिर वैसे ही फूल होता है? नहीं हाँ, ये अलग-अलग रंग है, गूढ़े हैं, लाल है, पीला है, पीला है। सही सही। तो ये फिर आप अलग-अलग करके लगा रहे हैं इनको सबको? नहीं मिक्स करा रहे हैं। अच्छा तो अगर एक ही रंग के एक जगह पे लगाएं तो वो ऐसे गुलदस्ते की तरह एक जैसे फूल नहीं होंगे? एक जैसे। सही उस तरह करके लगाएं क्यारी में, सिर्फ जैसे एक रंग का एक लाइन लगा दी। टाइम ज्यादा लगेगा तो भाई लगा दें एक क्यारी तो ऐसे बना दें हैं, या वो गोलदारा ऐसा बनाएं? गोलदारे में तो और फूल लगे। अच्छा एक क्यारी तो ऐसी बनाएं जिसके अंदर ना फूलों की, जैसे इधर देखें मेरी तरफ, जैसे ये है ना, ये इतना हिस्सा जो है इतना हिस्सा एक रंग के फूल लग जाए, फिर एक रंग के लग जाए, फिर एक रंग, वो तो बहुत प्यारा लगेगा फिर इस तरह से। इस तरह से लगाएं एक क्यारी ना। वो पहचान बता रहे हैं ना? ये नाड़ बताए किस कलर की? ये आ नाड़ किस कलर की? लाल है ना। ये वेख तिना फर्क वेखी है तो फर्क नहीं दस, ये टाइम लगेगा। और तो भाई लगा लें एक क्यारी तो बना दें, ऐसी एक क्यारी बना दें बहुत अच्छी लगेगी वो। ये यार चार गल इते फ्रंट ते किते इथे या पूरी क्यारी ओ ओ ते की लाना वा बोलदा रे यार सीधा ला। ये ए देखे ना ए सौखा काम है, सिखा रहे हैं सगीर भाई बाकी भाइयों को भी। नहीं खला अपने आप नहीं होना, इथे गल जाना पड़ना। जो सही लगे होंगे वो आईडी पनीरी ले आ जाए, मैं तो ला दूं। ये तो गलत है, ये तो पनीरी बड़ी सोनी है, कौन पनीरी धोनी चाहिए है। इन क्यारियों में ये लग चुकी है पनीरी सारी। अब इंशाल्लाह जब ये सारे फूल बन जाएंगे फिर भी दिखाऊंगी आपको। ये आई पड़ी है पनीरी जो आ चाहिए। इसमें चार तरह के फूल हैं ना, चार तरह के फूलों को अगर गुलदस्ते की सूरत में अलग अलग करके लगाया जाए तो वो फूल फिर एक ही रंग का एक गुलदस्ता साथ ही उसके दूसरे रंग का, फिर तीसरे रंग का, फिर चौथे रंग का, तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। भाई अंगूठे से कह रहे हैं ना जैसे वैसे ही लगाएं आप, ताकि पौधे ये गिरे ना। हाँ ये देखें हम कैसे अच्छे लगे।
अब सही है इरशाद भाई? हाँ अब सही लग रहे हैं। ये वो करौंदा जो लगाया था कितना अच्छा माशाल्लाह जड़ गया है ये, और बहुत अच्छे से ग्रीन पौधे इसको, इसकी जरा मुझे सेहत ख़राब लग रही है। ये जो चाइनी अनार है डेकोरेशन पीस, अल्लाह करे ये सही हो जाए, ये भी सही सेहतमंद है पौधा ये वाला। अब इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अज़ीज़ जैसे ये सारे फूल खिलते हैं इस पनीरी के तो फिर दिखाऊँगी आपको बाकी इसका। अल्लाह हाफिज़। नर्सरी से पनीरी लेकर कैसे लगाई जाती है ये तरीका आज आपको सिखाते हैं। देखें पनीरी लगाने का तरीका, गेंदे के फूलों की पनीरी लग रही है ये। चलें जी चाय पिए आप, मज़े करें। पनीरी लग गई है, ये पनीरी है जो लगी है, और अब ब्रेक टी ब्रेक हुई है भाइयों की। क्यारी तैयार हो रही है पनीरी के लिए। अब इधर से भी होगी, जाता नहीं पाए तो बाल्टी शाल्टी लेके सुन आए थे। अब ऐसे जाए ना करो पानी, खुद लाइट का पता नहीं है तो दूसरी साइड पे भी लगेगा भाई मिट्टी। ऐसे तैयार किया मिट्टी भी नहीं गई, वही मिट्टी ऊपर आ गई। अच्छी लगी पनीरी लगी। वाकई काम तो करना है, अगर वो खूबसूरत ही ना लगा फिर तो कोई फायदा नहीं है। कितनी खूबसूरत लगने लगी है कि पनीरी भी किसे सुकून से मांग ली। अच्छा जुमे को लगेगी इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह ये हिस्सा जो है ना ये क्यारी का तैयार हो चुका है। देखें क्यारी ही तैयार हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। जब फूल लगेंगे फिर तो और भी खूबसूरत लगेगी। क्यारी तैयार हो गई है पनीरी लगाने के लिए, ये क्यारी तैयार है।
बहुत अच्छे। ताकि लेवल हो जाए इसका, ये लेवल करने के लिए स्टेप है। सही, देखें तीन चार स्टेप किए हैं उसको, फिर जाके कैरी की सूरत निकली है। खूबसूरत लग रही लगे ना लगे, खूबसूरत क्या।